हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिएटिव जी। आज हम बात करेंगे CS101 के पेपर के बारे में, जो कि आज हुआ है 15 मार्च को। तो पेपर का टाइम था जी 11 बजे, और ये आपके लिए स्पेशल पेपर पूरा मैंने बनाया है। अभी टाइप किया पूरा कि पेपर में क्या आया था क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर जो हमारे पास आया था वो 50 मार्क्स का था, 50 क्वेश्चंस का, सॉरी 50 क्वेश्चंस थे, जिनमें से आपके पास 40 MCQs थे और 10 आपके पास रिटन क्वेश्चन थे जो कि आपने लिखने थे। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्व MCQs है, मैंने सॉल्व कर दिए हैं। जो नहीं कंफर्म उस पर लिख भी दिए कि ये कंफर्म नहीं है, वो आप खुद कंफर्म कर सकते हैं। और जो बच्चे पास पेपर्स के रट्टे मार रहे हैं, सबसे पहली बात कि आज जो पेपर आया था उसमें से एक क्वेश्चन भी पास पेपर में से नहीं आया। आज के पेपर में एक भी क्वेश्चन जो है आपका वो पास पेपर्स में से नहीं आया। सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थे, और एमसीक्यूज जो आए हुए थे ये भी सारे आपके हैंड आउट्स के अंदर से आए थे। ठीक है, तो हैंड आउट्स को रीड करें मुकम्मल, क्योंकि CS101 का जो पेपर आ जाए इसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, कोई भी एमसीक्यूज आपको पास पेपर में से नहीं आया। सब एमसीक्यूज नए थे, मतलब आपके हैंड आउट्स में से बने हुए थे। कोई भी एमसीक्यूज आपके पास पास पेपर्स में से नहीं आया, और पेपर डिफिकल्ट भी था इन अ सेंस थोड़ा सा, पर इतना मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल, अभी पूरा पेपर बना के पूरा लिख के तो आपके लिए बनाया गया है। सो आप हमारी मेहनत को भी सराहें। ठीक है, तो प्लीज़ जो जो बच्चे ये देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जहाँ कहीं आपको लगे कि MCQs गलत है तो इसको करेक्ट करना चाहिए तो कमेंट करके बताएं भाई ये करेक्ट करना चाहिए। अच्छी बात है, करेक्ट करें, दूसरों की भी हेल्प होती है। ठीक है, और CS101 का पेपर था, इतना कोई मुश्किल भी नहीं था पर इतना ईजी भी नहीं था। कॉन्सेप्चुअल था ज़्यादा, जो बच्चे रट्टे मार रहे हैं कि पास पेपर्स के, तो पास पेपर्स में से तो कुछ भी नहीं आया। तो एक MCQs, एक क्वेश्चन जिसे कहते हैं, वो भी पास पेपर्स में से नहीं आया। सारा हैंड आउट्स में से आया था, हर MCQs हैंड आउट्स में से आया था, जो कि आपको अभी फाइनल से पहले पहले जो आपके क्विजेज हुए हैं उन क्विजेज में से भी कुछ नहीं आया। उन क्विजेज के मतलब उन क्विजेज में जो MCQs आए थे 10 10 मार्क्स के, उसमें से भी एक कोई MCQs रिपीट नहीं हुआ, सारा नया था। हैंड आउट्स को आप थोरली रीड करें, क्योंकि हैंड आउट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो भी MCQs आता है ओवरऑल वो हैंड आउट्स के अंदर से ही आया होता है। पास पेपर्स में से भी आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से यूजली आते ही 70% पास में से। पर ये CS101 का बहुत डिफरेंट पेपर आया है, और कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाया जाता है, जो कि कल रीड किए मैंने भी पास पेपर्स, बस पास पेपर में से एक भी MCQs नहीं आया, सब आपके पास हैंड आउट से अंदर से आया होता। ठीक है, तो ये मैंने स्पेशल उन बच्चों के लिए बनाया जिनका भी CS101 का पेपर नहीं हुआ, तो वो देख लें कि कैसा कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन भी आपके पास जो मिले थे वो कॉन्सेप्चुअल थे, मतलब आपको खुद ऑपरेशन ये सब लिखने थे, कोडिंग लिखनी थी। ठीक है, क्वेरीज लिखनी थी, खुद से लिखनी थी, खुद से सिनेरियोज दिए हुए थे कि इस सिनेरियो के मुताबिक आप लिखें। तो बरए मेहरबानी उन पास पेपर्स का रट्टा मारना छोड़ दें। तो आई होप ये सब पेपर्स आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे। ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को हेल्प मिले। और आप खुद भी अच्छी तैयारी करें और दुआ करें कि बकाया सब बच्चों के लिए भी क्यों सही अच्छे मार्क्स लें, और आप
अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें कि सबके पेपर्स अच्छे हो जाए। ठीक है, और जो जो बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि इस पूरे पेपर को बनाने में दोबारा रिमेम्बर करना कि क्या क्या है, तो पेपर में बहुत मुश्किल होता है। पेपर दोबारा रीराइट करना, याद करके आना वहाँ से कि क्या आया था पेपर में, तो ये बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए सारी मेहनत की जाती है। सो प्लीज़ जो जो बच्चे इसको देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब यहाँ अगर आप क्वेश्चंस देखो तो क्वेश्चंस जो हैं बहुत कम ही जो है ना थ्योरी टाइप क्वेश्चंस थे, थोड़ा आपको घुमा फिराया हुआ थोड़ा सा। अभी क्वेश्चन पूरा सेम है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ लोकेशन इन मेमोरी टू बी रेफरेंस बाय डिस्क्रिप्टिव नेम्स रेदर देन बाय न्यूमेरिक एड्रेसेस, व्हाट इज़ दैट डिस्क्रिप्टिव नेम्स। अब आपसे ये व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव नेम्स लिख के आपसे थोड़ा सा घुमा दिए क्वेश्चन, बट इज़ ईजी है बहुत ज़्यादा। फाइव क्वेश्चन आपके पास जो थे वो 3-3 मार्क्स के थे, और जो फाइव बकाया थे वो आपके पास 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और पेपर टाइमिंग 2 घंटे थी ऑलमोस्ट। और इन लिस्ट एस एल डी सी फेज इन विच टेस्टिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट फेज, इसमें आपने 3 नाम लिखने थे। ठीक है, फेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के ऊपर, इन लिस्ट 2 वेज फॉर सम ऑफ फार्मूला, इसमें आपने दो फार्मूले बताने थे। राइट 5 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस और ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस का, ये तो बहुत ईजी था। व्हाट इज स्टाइल्स ऑफ ड्रॉप कैप इन लिस्ट देम, एमएस वर्ड में आपके पास ड्रॉप कैप होता है उसके आपने स्टाइल्स बताने थे, ये भी ईजी था। अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ खुद से, मिस्टर अली इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हैज़ टू मेक अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ही नेगोटिएट्स विद द स्टेक होल्डर्स आफ्टर नेगोटिएशन ही विल राइट देयर नीड ऑन डॉक्यूमेंट, इन लिस्ट द डॉक्यूमेंट ऑन विच ही विल राइट द एग्रीड नीड एंड ऑल्सो टेल दैट इन विच फेज ऑफ एस एल डी सी मिस्टर अली इज़ वर्किंग। अच्छा जी, आपके पास सिनेरियो दिया हुआ था और आपने क्या बताना था कि कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर नीड्स लिखी जाएंगी, उसका नाम लिखना था, और कौन से फेज में मिस्टर अली वर्क करें वो आपने पूरा फेज डिफाइन करना था। तो डॉक्यूमेंट जो था वो स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और वर्किंग ये कौन से मेरे कर रहे हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर को एम्प्लीमेंट करेंगे। और राइट अ क्वेरी फॉर द सेलेक्ट ऑपरेशन टीचर फ्रॉम द टीचर डेस्क पब्लिकेशंस आर लेस देन 5, इसमें आपने एक सेलेक्ट ऑपरेशन की क्वेरी लिखनी थी जिसका आपके पास सिनेरियो गया था टीचर फ्रॉम द टीचर डेस्क पब्लिकेशंस आर लेस देन 5, ये आपको एक लाइन लिखी थी दी गई थी, इसमें आपने सेलेक्ट ऑपरेशन लिखना था। वट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ये आपके पास एक आउटपुट लिखा हुआ आया था, C++ का ये प्रोग्राम लिखा हुआ आया था, आपने इसकी आउटपुट बतानी है। तो आउटपुट तो हेलो दिस इज एन एग्जाम्पल ही इसकी आउटपुट थी। राइट द फॉर्म ऑफ फार्मूला ऑफ MS Excel, और आप में इसमें हमें एक ये इसमें ब्लॉक दिया गया था जिसमें सारी वैल्यूज थी, फीमेल्स और मेल्स दोनों के अलग अलग CGPA लिखे हुए थे, इसमें आपने दो फार्मूले देने थे MS Excel के, जिसमें नंबर ऑफ मेल्स और CGPA ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बताना था। एंड लिस्ट द पेजेस स्टाइल्स दैट आर गिवन इन MS Word, पेज स्टाइल आपने बताने थे कि कौन कौन से होते हैं MS Word के ऊपर, ये तो इंतहा ईजी था। आई होप आपको इस पेपर से हेल्प मिली होगी, अगर आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले जो जो पेपर हैं जो कि होंगे और जिस दिन होंगे वो सारा पेपर आपको मिलता रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट भी पेपर देखें ये कौन कौन सा पेपर हुआ है और इस तरह आपको प्रॉपर क्वेश्चंस और MCQ सॉल्व हुए मिलेंगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे।